हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैक टेक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आइए इसको देखते हैं वन बाई वन। द जनरल पर्पस ऑफ सिंगल ऑटोमेटिक लेथ आर वाइडली यूज फॉर क्वान्टिटी और मास प्रोडक्शन बाय मशीनिंग ऑफ हाई क्वालिटी फास्टनर बोल्ट स्क्रू ETC। तो जनरल पर्पस क्या होता है सिंगल ऑटोमेटिक लेथ का? मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। सिंगल ऑटोमेटिक लेथ होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। इट यूज ऑलवेज फॉर प्रोड्यूसिंग जॉब ऑफ रॉड टर्बुलर एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज। कैसी होती है? स्मॉलर साइज की। और सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ रन फुली ऑटोमेटिकली। कैसी होती है ये? फुली ऑटोमेटिकली रन करती है, इंक्लूडिंग बार फीडिंग एंड टूल इंडेक्सिंग कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, रिपीटिंग द सेम मशीनिंग साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब सिंगल ऑटोमेटिक लेथ फुली ऑटोमेटिक होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेम मशीनिंग साइकिल रिपीट होती रहती है लॉन्ग ड्यूरेशन तक। इट प्रोवाइड विद अप टू 5 रेडिकल टूल स्लाइड। कितनी प्रोवाइड करती है? 5 रेडिकल टूल स्लाइड्स विच आर मूव्ड बाय कैम। जो किससे चलते हैं? कैम से चलते हैं। माउंटेड ऑन अ कैम शाफ्ट। और किस पे माउंट होते हैं? कैम शाफ्ट पर। और सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ आर ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज एंड पावर बट हैव हायर स्पिंडल स्पीड। इसमें जो स्पिंडल स्पीड होती है वो कैसी होती है? बहुत हाई होती है। वन टरेट फेस एट अ टाइम इज वर्किंग और वन स्पिंडल, एक टाइम पर एक ही टरेट फेस और एक ही स्पिंडल काम करता है सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ के लेथ में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ।